चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में फ्लो टेस्ट करवाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये फ्लो टेस्ट जल्द से जल्द हो। आपको बता दें कि गवर्नर ने बीजेपी के मनोहर पर्रिकर को सरकार बनाने का न्योता दिया है और आज शाम 5 बजे ही शपथ ग्रहण होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी कांग्रेस से किए कि क्या आपके पास नंबर है। अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आप क्या कुछ कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने कई तरह के आरोप लगाए थे लेकिन सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए और पूछ लिया है कि क्या आपके पास नंबर थे, क्या आपने एमएलए की लिस्ट सौंपी थी राज्यपाल को, क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल श्वेता, सही बात कही आपने। जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी एक याचिका डाली थी उसमें कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाकर ये कहा कि क्या आपने गवर्नर के सामने अपना दावा रखा, क्योंकि अगर आपने लीगली गवर्नर के सामने दावा नहीं रखा और अगर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आप आ ही नहीं सकते, क्योंकि एक प्रोसेस होता है हर चीज का, पहले आपको राज्यपाल से मिलना होता है, अगर राज्यपाल आपकी नहीं सुनता तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा या किसी कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला है। फिलहाल कोर्ट ने झटका दिया है कांग्रेस को, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी को यह आदेश दिया है कि आप फ्लो टेस्ट करिए और फ्लो टेस्ट में बीजेपी जो नेता है वो कामयाब हो जाते हैं। जिस तरीके से मनोहर पर्रिकर अपना अपना जो दावा है मजबूत तरीके से रखेंगे, अगर फ्लो टेस्ट हो जाता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके बाद कांग्रेस को मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कॉन्फिडेंट है, बीजेपी ने तमाम जो व्यवस्था है एमएलए की वो कर ली है। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इन सब बातों से अलग सभी का जो ध्यान है वो बहुमत सिद्ध करने की तरफ रहेगा। जी बिल्कुल अनुराग, और हम ये मान के चलें क्योंकि पहले ही राज्यपाल की ओर से न्योता दिया जा चुका है मनोहर पर्रिकर को कि वो सीएम पद की शपथ ले, शाम 5 बजे तैयारी भी हो रही है। इस बीच ये कहें कि कांग्रेस की जो कोशिश थी वो उल्टा उसी पर भारी पड़ गई। जी बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो यहाँ से तो उनको फटकार लगनी थी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने गवर्नर से मिलकर दावा पेश करने का जो उन्होंने एक एप्लीकेशन थी उन्होंने इसलिए डाली क्योंकि उनको मालूम था कि उनके पक्ष में एमएलए उनके पास है, बहुमत उनके पास है, तो बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि फ्लोर टेस्ट करने में कोई दिक्कत होगी। जी चलिए अनुराग, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।